एक लड़की थी इसमें प्यार करता था। तुम बीबीओ को क्या प्रॉब्लम है बताओ तो? एक ऐसी लड़की। Hi guys, good morning. Welcome back to my vlog. Are you Tuesday morning? Happy Tuesday morning, guys. और निमी की क्लास स्टार्ट होने के साथ साथ ना हमारे भी दिन की शुरुआत जल्दी होने लगी है। पहले उठते थे 7:30-8 बजे के आसपास, अभी 6:45 नहीं यार, ये तो बहुत जल्दी हो जाता है, 7:45 बजे तक तो मैंडेटरी उठ ही जाते हैं। तो हमारे दिन की शुरुआत भी बहुत जल्दी जल्दी हो चुकी है। निमी खा के अपने क्लास अटेंड करने चली गई। मैं और आश्रित यहाँ खेल रहे हैं। हाँ बेबी, बेबी को क्या हुआ आशु? पूरा बाहर का क्या हाल है देखो यार, पूरा बादल, इतना ठंडा ठंडा वेदर है ना, बेड से निकलने मन नहीं करेगा, बट किसी तरह सुबह उठ के खुद को बोलना पड़ता है नहीं भाई बच्चे का स्कूल है, बेड से निकलो। एंड ऑन दिस नोट गाइस, लेट्स रोल द डे। जूस आप पका रहे हो? डॉली को खाना दे रहे हो? निमी की क्लास स्टार्ट होने के बाद ना ये थोड़ा अकेला पड़ जाता है, कभी कभी तो अच्छा खेल लेता है बट देन ही स्टार्ट्स मिसिंग। हाँ तो आई एम एंटरटेनिंग हिम और थोड़ा बहुत लंच का भी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि निमी की क्लास ऑन एंड ऑफ 12 बजे तक चलते हैं, तो मुझे थोड़ा उसको भी देखना पड़ता है, थोड़ा इसको भी देखना पड़ता है, तो इन बिटवीन मुझे खाना पकाना पड़ता है। तो अभी वही खाना पका रही हूँ। करी तो मेरी बैठ गई है, संदीप ने हेल्प किया तो जल्दी जल्दी करी बैठा दिया है मैंने। और ये रॉ पपाया है, इसकी मुझे सब्जी बनानी है तो अभी इसे टैकल करूंगी मैं। क्या हुआ आशु? पपाया, दैट्स अ रॉ पपाया, ग्रीन पपाया। व्हाट इज योर नेम? आशिद। तो चलिए गाइस, मैं जल्दी जल्दी वो पपाया छुड़ा लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और गाइस, ब्रेकफास्ट में आज बच्चों के लिए मैंने थोड़ा सा चाउमीन बना दिया था, थोड़ा ज्यादा ही बनाए हैं, अभी भी रखा हुआ है जबकि दोनों का खाना फिनिश हो चुका है। और हमारे लिए कल की ना शकरकंदी की रोटी है, तो 2-3 रोटी एक्स्ट्रा हो गई थी तो मैंने हमारे लिए कुछ नहीं बनाया, वही रोटी को गर्म करेंगे और चाय के साथ लेंगे। आशु, व्हाट डज पेपा कॉल्स हर बाबा? तो गाइस, मेरा फिश करी बनाना हो चुका है और मेरा पपाया भी कटिंग हो चुका है, अभी चॉप करना बाकी है बस। तो ये है मेरी फिश करी, जिसको आज कच्चा केला और आलू देके फिश करी बनाई है, पतली पतली सी, ग्रीन चिली स्प्लिट करके दिया है उसमें मैंने। और ये मैंने ग्रीन पपाया पिल करके रख लिया है और ये एक पोटैटो है वो भी पिल करके रखा है, अभी ये दोनों को चॉप करूंगी और पॉपी सीड पेस्ट के साथ सब्जी बनाऊंगी। अच्छा लो गाइस, आपको थोड़ा दिस हाउस वी डोंट कुक, हाँ कीप इट साइड। तो थोड़ा आपको निमी को भी दिखा के लेके आते हूँ, हाउ शी इज अटेंडिंग द क्लास। अरे गाना सुन के कौन आ गया है? आशु, मामा विल स्विच ऑन इन द टीवी, दे बाबा ऑफिस हो ना। तो गाइस, निमी का फर्स्ट क्लास हो चुका है और अभी मैं और संदीप ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हैं। ब्रेकफास्ट में आज है चाउमीन और वो शकरकंदी का रोटी और छाछ और साथ में चाय। ये चाउमीन बच्चे के लिए है और ये जो भी मैंने बोला शकरकंदी की रोटी कल की है, मैंने बोला है हाँ। तुमको सबको ऐसे उंगली दिखाने की जरूरत नहीं है जब मेरी बेबी मुझे आगे दिन का खाना खिला रही है। ठीक, आगे दिन का ही है ये, मतलब तुमको ऐसे और बोल मुंह से निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया है ऑलरेडी। मेरे मुंह से सुनने में लोगों को अच्छा लगेगा और तुम्हारे ब्लॉग में अभी से दिन का क्लास यही चलेगा। लंच की तैयारी पूरी खत्म। तो लंच में आज बना है, जिसमें दिखाया था फिश करी बनी है, साथ में बना है पापा की सब्जी और चावल। घर में हमेशा केला सड़ता रहता है,
तो और एक चीज जो आप अच्छी बना सकते हैं ओवरनाइट पके हुए केले से, वो है ये कस्टर्ड। तो मेरे पास जो केला था उसमें मैंने थोड़ा दूध के साथ कस्टर्ड मिला के ये सेट करने के लिए रख दिया है। अब ये थोड़ा और ठंडा हो जाए तो मैं इसको फ्रिज में डाल दूंगी चिलोने के लिए। ठंडा ठंडा बहुत बढ़िया लगता है। इन केस यू आर वंडरिंग, एक कस्टर्ड का ऐसा पाउडर आता है, अगर आप किसी को नहीं पता है। आशु क्या बोल रहे हो बेटा? तो कस्टर्ड का ऐसे पाउडर आता है, तो मैंने उसको थोड़ा मिल्क में डिजोल्व करके केले के साथ मिक्स कर दिया है। सोने जाने का, तो बच्चों को ले जाऊंगी आफ्टरनून नैप के लिए और संदीप जाएगा बैक टू ऑफिस। गाइस अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैंने सुबह जो कस्टर्ड बैठाया था ना वो पूरा सेट हो चुका है। यम्मी, इसको आइसक्रीम दो। आइसक्रीम तो नहीं खाता है, तो मिल्क में खाते हैं, बट इट्स गुड। तो एप्पल दो। एप्पल नहीं था, तुम एप्पल क्यों नहीं लेके आए? सिर्फ केला था घर में, वो भी ज्यादा पका हुआ। फ्रूट्स, सफेद केला, वाटरमेलन। आशु ने अपना पूरा वाटरमेलन पूरा फिनिश कर दिया। निम्मी जैसे ही पानी पीने उठी गया उसका प्लेट पूरा साफ करके सब अपने प्लेट में ले आया है। निम्मी का प्लेट देखो और उसका प्लेट देखो। तुम बीबीओ को क्या प्रॉब्लम है बताओ? नहीं, तुम बीबीओ को क्या प्रॉब्लम है बताओ? क्या प्रॉब्लम? तुम गाओगे हमारी अधूरी कहानी और तुमको जैसे ही टोको तुम बोलोगे, तुम हमेशा टोकने आ जाते हो जब भी मैं खुश होता हूँ। वाह हमारी अधूरी कहानी गा रहे हो, वो तो खुश हूँ। आज गा रहे हो एक लड़की थी जिसमें प्यार करता था और फिर बोला मैं खुश हो रहा हूँ तो तुमको पसंद नहीं आ रहा है। नहीं तो तुमको क्या लगता है वो गाना कुमार सानू गाता हुआ दुखी हो रहा था? अरे वो जो भी हो मेरे को क्या है, गाना गाते हुए खुश होता है कि नहीं? अकेले अकेले गाना ये सब गाना मेरे कान में नहीं आना चाहिए। क्या हो जाता है तुमको? एक ऐसी लड़की। किसको सॉरी बोल रहे हैं? दीदी को ना खुद को? खुद को सॉरी बोलने का प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी से। सॉरी सोना, सॉरी 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 सोना, सॉरी। क्या हुआ मामा, अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो सॉरी बोलने का? कल जमाई षष्ठी है। जामा षष्ठी में क्या खाओगे सोना? क्या खिलाओगे तुम बोलो? अपना सास को पूछो क्या क्या खाना है वही बना दूंगी। सीरियसली? तो आलू दिया, उधर ग्रीन चटनी दिया, आप दोनों को बंद करके सैंडविच बना दोगे। चलो सैंडविच खा लो। बढ़िया बढ़िया शाम का नाश्ता बन चुका है। ये है ब्रेड पकौड़े और साथ में बन रही है चाय। बस गाइस आज का दिन यही खत्म होता है। सुबह की सब्जी मेरी भी रखी हुई है, थोड़ी सी रोटी बना लूंगी और डिनर भी सॉर्टेड है। तो आज का ब्लॉग यही एंड करूंगी गाइस। मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग में। गुड नाइट।